हमें लगता है कि उनके यहां जो है वो नेतृत्व का अकाल और संकट पड़ा हुआ है, और इसीलिए जो है वो उस तरह के लोगों को महिमामंडित करना चाहते हैं जो लोग कि देश को, देश के अपमान के सबसे बड़े योद्धा बने हुए हैं। इसलिए जो है वो कोई उनको भगत सिंह कहता है, भगत सिंह कह करके उनकी शहादत को अपमान करता है। अब देखिए राहुल गांधी जी किस उपाधि से उनको बुलाते हैं। जी, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि एक देश की राजनीति में एक ऐसी चीजें हो गई हैं कि देश जो देशद्रोही है ये उसको हमारे, अपमान हमें किया जा लगता है रहा है? कि आज ये हमारे देश में ये अजीब सी स्थिति है। कोई कहता है कि जी भारत माता की जय जो है वो प्रमाण पत्र थोड़ी है राष्ट्रभक्ति का। हाँ बिल्कुल सही है, भारत माता की जय कहना मात्र प्रमाण पत्र नहीं है राष्ट्रभक्ति का, लेकिन भारत माँ को गाली देना, भारत माँ के का विरोध करना, उनके उसके टुकड़े टुकड़े करना भारत के, ये राजद्रोह की श्रेणी में 100% आता है। इस बात को समझना चाहिए जो लोग ये तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं कि केवल भारत माँ की जय कहने से जो है वो कोई राजभक्ति थोड़ी हो जाती है। हाँ नहीं होती, लेकिन भारत माँ का को गाली देना, भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करने का की बात करना, उन ताकतों को महिमामंडित करना जो ताकतें कि देश के एकता और देश की अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है, उन आतंकवादियों को जो है वो महिमामंडित करना, निश्चित तौर से ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है और इसको देश कभी भी माफ नहीं करता ऐसी चीजों को। भारतीय जनता पार्टी को बगैर कारण मुद्दे उठाकर देश की तरक्की से ध्यान बांटने की हर रोज की आदत पड़ गई है। देश की अर्थव्यवस्था आज संकट में है, देश में किसान लूट पीट रहा है, देश में किसान की फसल लूट गई, गेहूं और सरसों की कोई फूटी कौड़ी मुआवजा दिया नहीं गया, देश में व्यवसाय धंधा दुकानदारी सब बंद होने चौपट होने की कगार पर हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, और आए दिन मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या उनका कोई ओवैसी जैसा मित्र दल आए दिन एक झूठा विवाद खड़ा करना उनकी आदत और चरित्र का पर्यायवाची बन गया है। हम उनसे अनुरोध करेंगे झूठे विवाद खड़े करना बंद करें और सरकार चलाना शुरू करें, क्योंकि 22 महीनों से हमने केवल जुमले देखे हैं, सरकारी तंत्र नहीं। माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं, वो कांग्रेस के तो शीर्षतम नेतृत्व हैं ही, पर राहुल गांधी जी देश के नौजवानों, देश की विविधताओं और भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों और भिन्न भिन्न संगठनों और समूहों उनसे मिलते हैं। कोई व्यक्ति भी आकर माननीय राहुल गांधी जी से मिल सकता है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह लोगों को राजनीतिक तौर से अछूत नहीं मानते।